हेलो गाइस, वेलकम टू माय अदर वीडियो। मैं प्रेम सागर। गाइस, आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि लावा की तरफ से चार नए स्मार्टफोन उतारे जाएंगे, जो कि 7 जनवरी को लेकर, ये क्योंकि लावा की तरफ से पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया गया था। तो गाइस, आज फाइनली लावा ने 4 नए स्मार्टफोन भारत में लॉन्च कर दिए हैं, जो कि एक मेड इन इंडिया स्मार्टफोन है। अब जानेंगे गाइस आज की इस वीडियो में इन चारों स्मार्टफोन के पूरे डिटेल्स में, क्या क्या इसकी प्राइजेस है और क्या क्या इसके फीचर्स है, पूरे डिटेल्स में जानेंगे। क्या आपको स्मार्टफोन आपके लिए वाकई में एक अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है कि नहीं होने वाला है, पूरा गाइस बिना डिटेल्स में आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि गाइस आपको एक अच्छा सुझाव से ही आप एक अच्छा स्मार्टफोन ले सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। गाइस, जब इंडियन स्मार्टफोन कंपनी लावा ने जब अनाउंसमेंट किया था कि 7 जनवरी को अपने नए स्मार्टफोन को, नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने वाली है, उसी वक्त सिर्फ भारतीय यूजर्स के लिए नहीं बेहद ही खास होंगे, बल्कि ये इंडियन की स्मार्टफोन इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा और चेंजेस होने वाला था। तभी इस मोबाइल यूजर्स के सभी लॉन्च इवेंट के इंतजार करने लगे। वही आज इस लावा स्मार्टफोन के द्वारा सभी स्मार्टफोन के लिए पूरी तरह पर्दा उठा दिया गया है। अभी सारे स्मार्टफोन के रिव्यूज कर दी गई है, कौन कौन सारे स्मार्टफोन होने वाले हैं। जैसे कि बात बता दूं गाइस, सबसे पहले लावा का Z1, लावा Z2, लावा Z4, लावा Z6, ये सारे स्मार्टफोन को लॉन्च किए गए। ये सारे स्मार्टफोन आपको मेड इन स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, मेड इन इंडिया स्मार्टफोन सभी देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कीमत को लेकर। तो लावा Z1 की प्राइस जो रखी गई है कंपनी की तरफ से, शुरुआती कीमत 5,499 रुपये से इसकी कीमत पर लॉन्च किया गया है। इसी तरह लावा Z2 की बात करें तो 6,999 रुपये की प्राइस पर इसे उतारी गई है। वही लावा Z4 की बात करें तो इसका 8,999 रुपये, वही लावा Z6 की बात करें तो 9,999 रुपये की प्राइस चेक के साथ इसे उतारी गई है। नहीं कि गाइस सीधे कहना है कि 5,499 रुपये से स्टार्टिंग और 10,000 के अंदर सारे स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाते हैं। वही लावा Z1 की जहां इसकी बात करें सेल्स को लेकर, तो जहां लावा Z1 की आने वाली 26 जनवरी को इसकी सेल लगाया जाएगा, वही बाकी सारे स्मार्टफोन को 11 जनवरी के ही से सेल के खरीदा जा सकता है। नए स्मार्टफोन की लसात लावा ने लावा Z MyZ और लावा Z UP जैसे अनोखी सर्विस भी शुरुआत की थी। अब बात करते हैं सारे स्मार्टफोन को डिटेल्स में लेकर। तो लावा Z1 की सबसे पहले इसकी स्पीकेशन की बात कर लेते हैं पूरी तरह। तो लावा Z1 की एक लेंट्री लेवल स्मार्टफोन है, जो कि बेजल्स डिस्प्ले पर लॉन्च हुआ है। इस स्मार्टफोन में 720 पिक्सल रेजोल्यूशन वाला 5 इंच का स्क्रीन दी गई है, जो कि कॉर्निंग ग्लास 3 से प्रोटेक्टेंस है। वही एंड्रॉयड OS आधारित यह फोन ऑक्टाकोर प्रोसेसर के साथ MediaTek Helio A22 चिपसेट पर रन करता है। इसके साथ ही फ़ोन में 2 GB RAM और 16 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है। वही फोटोग्राफी के लिए बात कर लेते, फोन स्मार्टफोन में फोटोग्राफी के लिए LED फ्लैश के साथ 5 MP का रियर कैमरा और 5 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। वही लावा में अपने स्मार्टफोन को मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी की दी गई है, जो कि गिरने या चोट लगने पर फोन की टूटने से बचाता है। यह एक ड्यूअल सिम फोन है, जो कि 4G वायलिटी और सपोर्ट करता है। वही पावर बैकअप के लिए स्मार्टफोन में 3100 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। बैटरी उतनी मजबूत नहीं, लेकिन प्राइस के हिसाब से स्मार्टफोन में सब कुछ सही है। वही लावा Z2 की बात कर लेती, लावा यह स्मार्टफोन के वाटर ड्रॉप नॉच की डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ है। वही कॉर्निंग ग्लास 3 का प्रोटेक्शन इसमें भी देखने को मिलता है। वही 6.5 इंच का HD+ स्क्रीन सपोर्ट के साथ आता है। एंड्रॉयड 10 OS के साथ इस स्मार्टफोन को 2.3 GHz का क्वालकॉम स्पीड वाला ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया है, जिसके साथ आपको लावा Z2 का 12 nm का तकनीकी पर काम करता है, जो MediaTek का Helio G35 का प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है। यह फ़ोन 2 GB RAM और 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ सपोर्ट करता है। लावा Z2 में इसकी फोटोग्राफी के लिए इसमें डुअल रियर कैमरा देखने को मिलता है, जो कि LED फ्लैश के साथ फोन के बैक पैनल पर 13 MP का प्राइमरी सेंसर है, वही 2 MP का सेकेंडरी सेंसर देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए स्मार्टफोन में 8 MP का कैमरा देखने को मिलता है। वही स्मार्टफोन में सिम 4G के साथ आता है और पावर बैकअप के लिए 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। यानी कह सकते हैं स्मार्टफोन उससे बेटर होने वाला है, तो मैं सजेशन दूंगा इस स्मार्टफोन को आप ले सकते हैं। वैसे बात करें बाकी स्मार्टफोन को लेकर, तो सारे स्मार्टफोन की स्पीकेशन सेम इसी से मिलती जुलती है, कोई ज़्यादा डिफरेंट आपको स्मार्टफोन देखने को नहीं मिलते हैं। बस प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंट आपको देखने को मिलते हैं, आपको कम
प्राइस से लेकर अधिक प्राइस तक, यानी कि अच्छे स्मार्टफोन कह सकते हैं मेड इन इंडिया स्मार्टफोन आप लेना चाहते हैं तो आपको लोग मैं सजेशन दूंगा कि लेवा Z2 भी आप परचेस कर सकते हैं। आपके पास 10,000 के अंदर स्मार्ट पैसा है तो आप लेवा Z2 या लेवा Z6 की तरफ भी जा सकते हैं, 4 की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि सारे स्मार्टफोन आपको अच्छे स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। हाँ, ये बात बता दूँ कि जो चाइनीज स्मार्टफोन ऐसे में लॉन्च हो रहे हैं उनसे इतना अभी उतना कंफर्टेबल नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनसे एक कह सकते हैं कि आप स्वदेशी फोन या इंडियन स्मार्टफोन लेना ही चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिलहाल मैं कहूँगा कि आपके पास जो स्मार्टफोन है अभी उसी स्मार्टफोन से काम चलाएं। मैं तो कहूँगा